प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 145 चेक ऑन मीजर्स फॉर कोल डस्ट कंट्रोल रेगुलेशन 145 चेक ऑन मीजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल के बारे में चर्चा करूंगा। इस रेगुलेशन को सरल, सिंपल और समझने योग्य टिप्स में मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये आप जान रहे हैं, लेजिस्लेशन और कोल माइंस रेगुलेशन एक कानूनी भाषा है। कानूनी भाषा की पूर्णता और कंप्लीट या कंप्रिहेंसिव, उसका लैंग्वेज ही अपने आप में पूर्ण होता है। मैं एक कोशिश कर रहा हूं उस कानूनी भाषा को समझाने के लिए सरल रूप में। हो सकता है कुछ इसमें छूट जाए, लेकिन भरसक प्रयास कर रहा हूं कि वो समझिए। एक्चुअली कानूनी का भाषा जो लिखा हुआ रहता है वही अपने आप में संपूर्णता है, लेकिन इतना ना विस्तृत रहता है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव रहता है कि उसको टिप्स में शॉर्ट में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए माइनिंग स्टूडेंट्स, माइन ऑपरेटर के लिए ये कोल माइंस रेगुलेशन 145 चेक्स ऑन मीजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। डस्ट कंट्रोल के लिए हम जो चेक करेंगे, क्या क्या प्रावधान हैं जिस प्रावधान से हम इसके उपाय को चेक कर सकें कि सही चल रहा है कि नहीं। इससे पहले 144 में मैं बता चुका हूं, तो इसमें कुल 17 सब रेगुलेशन है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट सब रेगुलेशन, सिस्टमेटिक सैंपल शैल बी कॉलेक्टेड, टेस्टेड एंड एनालिसिस एट इंटरवल ऑफ कोल डस्ट। कोल डस्ट खदान के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर, उसके सिस्मेटिक सैंपल हम बना लेते हैं। उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं एट ए इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल पर, यह पहला सब रेगुलेशन बोलता है। सिस्टमेटिक सैंपल कलेक्शन करना है, टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है एक सर्टेन इंटरवल पर, यह पहला सब रेगुलेशन है। दूसरा सब रेगुलेशन बताता है कि कैसे सिस्टमेटिक लीजिएगा, कहां लीजिएगा। दूसरा सब रेगुलेशन है एरिया, किस एरिया में लीजिएगा, रिटर्न एयरवेज विद इन 200 मीटर ऑफ लास्ट फेस। दूसरा एवरी हॉलेज रोड। तीसरा कन्वेयर रोडवेज। चौथा ट्रामिंग रोडवेज, ट्रामिंग रोडवेज जहां पर ट्रामिंग कर रहे हैं। पांचवा नन नेचुरल वेट, नन नेचुरली वेट, जहां नेचुरली वेट नहीं है वो। क्लियर। ये सैंपल जो कोल डस्ट का सैंपल हम लेंगे और टेस्ट करेंगे कि उसकी क्या अवस्था है, वो पांच जगह, पांच क्षेत्र है, पांच अंडरग्राउंड का एरिया है जिसमें करेंगे। पहला रिटर्न एयरवेज 200 मीटर तक लास्ट फेस से। दूसरा हॉलेज रोड, पूरा हॉलेज रोड में। तीसरा कन्वेयर रोड में। चौथा ट्रामिंग पाथ पर, जहां पर ट्रामर ट्राम करता है, टर्निंग पॉइंट जो हुआ, ट्रांसफर पॉइंट पर, जहां ट्रामर गोलाई में काम करता है, जहां पर लूस कैपल और रिकैपल कराया किया जाता है।
यहाँ पर टब को जोड़ते हैं, कपलिंग किया जाता है, तो वो ट्रामिंग में जहाँ पर हैंड ट्रामिंग हो रहा है, नॉन नेचुरल वेट, नेचुरली वेट का मतलब होता है 30% बाई वेट मॉइस्चर, जिसमें इंटीमेट मिक्सचर हो उसको नेचुरली वेट कहा जाता है, इसका एक डिफिनेशन ये है। तो नेचुरली वेट यदि नहीं है तो वहाँ का भी हम सैम्पलिंग लेंगे। इट शैल बी ए इट डिवाइडेड इंटू जोन नॉट मोर देन 150 मीटर्स। ये पांचों क्षेत्र में जो लेंथ होगा रोड का उसको जोन में हम डिवाइड करते हैं। जोन की लंबाई कितना होगा? 150 मीटर्स ईच, पार्शियली ट्रीटेड एज वन जोन। प्रत्येक जोन की लंबाई 150 मीटर होगा। यदि 150 से छोटा कोई जोन हो तो उसको हम कंप्लीट जोन के रूप में ट्रीट करेंगे। जोन शैल बी डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल सेक्शन। जोन बड़ा है, 150 मीटर का है, तो उसको तीन बराबर सेक्शन में बांटते हैं, 150 मीटर से कम ज्यादा नहीं होगा, तो तीन बराबर माने 50-50 मीटर करके, तो इसको हम डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल सेक्शन, नॉट मोर देन 50 मीटर इच। तो ये हो गया आपको तीसरा सब रेगुलेशन, जोन शैल बी डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल सेक्शन नॉट मोर देन 50 मीटर्स इच। तो इसका मतलब एक जोन में कई सेक्शन हुआ? यदि जोन 150 मीटर का है, एक सेक्शन 50 मीटर का है, तो एक जोन में कितना हो गया? तीन सेक्शन हो गया। जोन गिव्स डिस्टिंक्ट नंबर्स। जोन को हम नंबर में करते हैं, 1, 2, 3, ये नंबर है। और सेक्शन फॉर्म कोड नंबर, कोड लेटर्स ए बी सी। सेक्शन जो है जो छोटा है वो ए बी सी करके करते हैं। क्लियर? तो अब ये हम आपको बताते हैं कि जोन और सेक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक गैलरी है जो जिसका हमका सैंपलिंग करना है, तो इसमें हम मान लीजिए यहां से स्टार्ट ड्राई है, तो इसको हम मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मान लीजिए ये है, तो इसको हम 150 मीटर का 150 मीटर का ये हो गया, इसको बोलते हैं जोन। ये जोन हुआ, ये जोन 150 मीटर है। अब जैसे एक गैलरी आपको बता रहे हैं, ये इसे गैलरी है, छोटा सेक्शन बता रहे हैं, तो इसमें इस गैलरी में मान लीजिए ये 150 मीटर हुआ, ये फिर 150 मीटर हुआ, ये 150 मीटर हुआ, तो ई हो गया जोन। जोन 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 तो ये 150 मीटर का जोन है। इस जोन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जोन का मान लीजिए ए, तो दूसरा जोन का बी, तीसरा जोन का सी, इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं जोन का। तो इस पूरे जोन में से मान लीजिए बी का चर्चा करते हैं, तो बी हुआ,
ये एक ठो बी का हम चर्चा करते हैं, ये जोन हुआ। पार्टिकुलर जब जोन है तो इसको तीन भाग में बांटते हैं, तीन भाग में इसको बांटे, मान लीजिए तीन भाग में ये हुआ, तो इसको वन भाग को इसको कहते हैं, ये हुआ आपका, ये हुआ, प्रत्येक जो है सो 50 मीटर, ये हुआ 50 मीटर, ये हुआ 50 मीटर, क्लियर। तो ये 50 मीटर का ये हो गया सेक्शन, कितना हुआ सेक्शन, सेक्शन सेक्शन बी जोन है और ये सेक्शन हुआ। तो इस सेक्शन का नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये सेक्शन को हम लोग कहते हैं, बांटते हैं वन टू थ्री, क्लियर। तो ये सेक्शन को हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, तो चूंकि बी बी का है, इसका है बी का, तो बी का है तो इसको बोलते हैं बी वन, क्लियर। इसको बोलते हैं बी टू, इसको बोलते हैं बी थ्री, क्लियर। अब कोई भी पाथ में जो हम जोन में डिवाइड करेंगे तो 150 मीटर का जोन होगा, ये 150 मीटर का होगा, 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर, क्लियर। 150 मीटर के यहां से लेकर के यहां तक हुआ, यहां से लेकर यहां तक 150 मीटर हुआ, वहां से लेकर के वहां 150 मीटर जोन हुआ। तो इस बी जोन, ए जोन हुआ, ये बी जोन हुआ, ये सी जोन हुआ, क्लियर। अब बी जोन को नोमेनक्लेचर करने के लिए तीन सेक्शन में बांटते हैं, तीन बराबर सेक्शन, 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर, चूंकि ये 150 मीटर है तो इसको बी वन कहेंगे, 50 मीटर पहला बी वन। अब इसी चीज को हम यहां छोटा में दिखाते हैं, तो ये एक हुआ, ये हुआ दो, अब मान लीजिए ये हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बी वन बी टू और बी थ्री। सिमिलरली इसको हम तीन भाग में बांटते हैं, तो इसमें हो जाएगा, इस पार्ट को कहेंगे ए वन, ए टू, इसको बोलेंगे ए थ्री। ये भी 50 50 मीटर, 50 मीटर ये, 50 मीटर ये, 50 मीटर ये लंबा होगा, 50 मीटर ये लंबा होगा। सिमिलरली सी को भी इसी तरह से करते हैं, सी को भी इसी तरह से तीन भाग में बांटे हुए, तो सी वन सी टू सी थ्री। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं कैसे करेगा, चलिए। तो ये हो गया जोन, ये हो गया जोन, 150 मीटर में डिवाइड करते हैं, रेगुलेशन दूसरा, सब रेगुलेशन दूसरा है। तीसरा में जोन को तीन भाग में बांटते हैं, 50 मीटर से कम नहीं होगा, तो ई हो गया सेक्शन, सेक्शन में बांट दिए वन टू थ्री, तो सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री, ये हो गया सेक्शन। सेक्शन को बांटते हैं कोड लेटर वन ए बी सी, ठीक है, तो ये बी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन हुआ। तो अभी आ जाइए जोन्स सेक्शन कोड से क्लियरली मार्क्ड ऑन प्लान, प्लान में इस तरह से मार्क्ड रहता, इसका आरएफ होगा 2001, एक प्लान बनाएंगे जिसका आरएफ नॉट लेस देन 2001 होगा, इज कॉल्ड सैम्पलिंग प्लान, सो एरिया ऑफ नेचुरली वेट, इसमें नेचुरली वेट एरिया को शो करेंगे। छठा, जोन सेक्शन मार्क इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में भी इसको मार्क रहेंगे,
ये प्लान में भी मार्क है, अंडरग्राउंड में भी इसको हम मार्क करेंगे जोन को और सेक्शन को। सैंपलिंग शैल बी डन एवरी 30 डेज फॉर एवरी जोन सेक्शन ए बी सी। एवरी 30 डेज में हम एक बार लेंगे, तो मतलब एक जोन में एक 30 दिन में एक बार लेंगे। तो जैसे ए वन लेंगे उसी महीना में फिर बी वन लेंगे, सेम 30 दिन में ए वन को लिए, बी वन को लिए, सी वन को लिए, इस तरह से सब जोन जो है ए वन ए वन ए वन लिए। तो इसका मतलब फर्स्ट मंथ, जैसे मान लीजिए जनवरी है, जनवरी है, जनवरी फरवरी, ये मान लीजिए मार्च, ठीक है। तो जनवरी में हम लेंगे ए वन बी वन सी वन एन सोन, ऐसे ऐसे करके जनवरी महीना में। फरवरी में लेंगे ए टू बी टू सी टू, इस तरह से लेते हैं। मार्च में ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इस तरह से मार्च में लिए। तीन महीना में हमारा पूरा सब जोन का सैंपलिंग हो जाएगा। यही है कि सैंपलिंग शैल बी डन एवरी 30 डेज फॉर एवरी जोन सेक्शन ए बी सी, ठीक है। ऐसा सिस्टम है कि तीन महीना में माइन के अंदर जितने जो सेक्शन हैं सभी सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल जाएगा, ठीक है। सभी जोन से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल जाएगा। सैंपल शैल बी कलेक्टेड सिस्टमेटिकली मैनर नॉट विद इन 40 आवर्स ट्रीटेड प्लेस। हम एक सिस्टम से इसमें सैंपलिंग करेंगे। अब देखिए ये जो है इस तरह से बढ़ते हैं, ये यहाँ बढ़ते हैं, ये फरवरी में, और मार्च में इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। अब जब भी हम सैंपलिंग करते हैं तो जैसे इस भाग में हम लिए, तो 24 घंटा जब डस्ट हम कर लिए तो 24 घंटा के अंदर नहीं होना चाहिए, जब भी हो विद इन 24 आवर्स नहीं लेना होगा। डस्टिंग किए हैं तो कम से कम 24 घंटा के बाद ही उस जगह का सैंपल लेंगे, क्लियर। ये सब रेगुलेशन 8 बोल रहा है। अब ट्रीटेड जोन वन टाइम फूली नॉट पार्शियल, जब हम स्टोन डस्ट से ट्रीट कर रहे हैं तो एक जोन को हम फूली ट्रीट करेंगे, आधा कभी नहीं करेंगे। यानी 150 मीटर का जोन है तो हम डस्टिंग करेंगे तो 150 मीटर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि 100 मीटर करके छोड़ दे, ऐसा नहीं है। स्टोन डस्टिंग करेंगे तो पूरा हम जोन को करेंगे, जोन कंप्लीट करेंगे। और जोन आपको अंडरग्राउंड में मार्क रहेगा, प्लान में भी मार्क रहेगा, क्लियर। दसवां सब रेगुलेशन है ट्रेवलिंग रोडवेज और एयरवेज सैंपल टेक नॉट लेस देन 3 मंथ। ये सब जोन को ट्रीटेड करने के लिए 30 महीना में स्टोन डस्टिंग हम करते हैं, ठीक है। अब सैंपलिंग लेते हैं हम कि डस्टिंग हमारा ठीक है कि नहीं, इसके लिए सैंपलिंग लेने के लिए कहता है कि ट्रेवलिंग रोड एयरवेज सैंपलिंग टेक नॉट लेस देन 30 मंथ्स। 3 महीना में एक बार सैंपलिंग लेना पड़ेगा, एवरी 3 मंथ सैंपलिंग लेना पड़ेगा। और सैंपलिंग जो है उसको लेने का तरीका सेम 11वां सब रेगुलेशन बताया, सैंपल ऑफ डस्ट शैल बी कलेक्टेड, डस्टिंग से जो किए हैं
कलेक्टेड डेप्थ सैंपल ऑफ डस्ट, जो सैंपलिंग हम लेंगे उसका कलेक्टेड करने का तरीका क्या है, डेप्थ जो होगा, जिसे जो खुरच करके हम निकालेंगे और उस डस्ट को सैंपलिंग के लिए भेजेंगे, तो उसका डेप्थ क्या होगा, नॉट मोर देन 5 mm, 5 mm से ज़्यादा नहीं लेंगे ऑन रूफ और साइट, नॉट मोर देन 10 mm डेप्थ ऑन फ्लोर। क्लियर है? अब जैसे ये मिटा दूं, अब जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये है, ये रूफ हुआ और ये हो गया ये हुआ फ्लोर। अब आपको 3 dimensional हम आपको बताते हैं। क्लियर? इट है मैन 3 dimensional है। ये इसको मान लीजिए ये रूफ है और इसको मान लीजिए फ्लोर है। ये गैलरी का हम दिखा रहे हैं, यहां पर हम सेक्शन में दिखा रहे हैं गैलरी को, ये रूफ है ये फ्लोर है। तो कहने का मतलब है कि जो सैंपल लेंगे तो फ्लोर में ये जो डस्ट गिरा हुआ है, ये डस्ट गिरा हुआ है, इसकी डेप्थ जो है, ये डेप्थ, ये जो है ये डेप्थ है, ये फ्लोर में नॉट मोर देन 10 mm खुरच के, माने 10 mm हम इसको निकालेंगे फ्लोर में 10 mm। अब ये साइड में मान लीजिए ऐसे करिए, जैसे ये साइड है फलक, तो इस साइड में यहां पर डस्ट है, ऐसे ऐसे डस्ट है, तो इसका इसका ये जो है ये नॉट मोर देन 5 mm, ये mm होगा। क्लियर? ये 11 number सब रेगुलेशन है कि सैंपल ऑफ डस्ट शैल बी कलेक्टेड एज ए डेप्थ नॉट मोर देन 5 mm ऑन रूफ साइड। रूफ ये हम साइड में दिखाएं, रूफ में भी, अलबत्ता रूफ में भी जो ऐसे ऐसे मान लीजिए ये डस्ट है, ये डस्ट है, तो रूफ में भी यहां से और ये जो है एंगुलर स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन है ये आपको नॉट मोर देन 5 mm। क्लियर? तो ये 11 रेगुलेशन को इस ड्राइंग से हम समझाएं कि रूफ और साइड, ये देखिए रूफ है
और ये साइड है। साइड में रूफ में 5 mm डेप्थ तक हम डस्ट को लेते हैं, नॉट मोर देन 5 mm डस्ट तक लेते हैं, और इसको 10 mm तक लेते हैं, 10 mm से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। क्लियर, ये रेगुलेशन ये दिखाता है। अब 12 सब रेगुलेशन क्या कहता है, जोन, जोन में स्टोन डस्टिंग जो है स्ट्रिप सैंपलिंग से लेते हैं, जोन फॉर स्टोन डस्टिंग। जिस जोन में स्टोन डस्टिंग होता है उसको बाई स्ट्रिप सैंपलिंग, जिस जोन में वाटर से हो स्प्रेइंग होता है उसको स्पॉट सैंपलिंग। तो क्लियर है, स्ट्रिप सैंपलिंग और स्पॉट सैंपलिंग दोनों चीज समझने वाली बात है। ये देखिए ओरल में बराबर पूछता है स्ट्रिप सैंपलिंग क्या है, स्पॉट सैंपलिंग क्या है। तो आप समझिए स्ट्रिप सैंपलिंग सिर्फ स्टोन डस्टिंग वाला जो एरिया है उसमें लेते हैं स्ट्रिप सैंपलिंग। उसका विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, 10 cm। इंटरवल क्या है, नॉट मोर देन 5 cm। चौड़ाई नॉट लेस देन 10 cm और इंटरवल है 5 मीटर पर। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये दोनों स्टोन डस्ट का बात, स्टोन डस्ट, स्टोन डस्टिंग जब हम किए हैं तो स्टोन डस्टिंग किए हैं तो अब देखिए हम सैंपलिंग कैसे लेते हैं। ये फ्लोर में मान लीजिए ये सैंपलिंग साइड से हम ले रहे हैं ऐसे, ये सैंपलिंग विड्थ है 10 cm से कम नहीं, तो ऐसे विड्थ लेते हैं। हो गया, क्लियर हुआ। और ये विड्थ ऐसे आया, ऐसे है, और ये विड्थ और फिर आप समझ रहे हैं ये जो चौड़ाई है ये एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप का जो चौड़ाई है, स्ट्रिप की चौड़ाई सामने आपको दिखाई दे रहा है। जैसे इसको निकाल देते हैं, सॉरी इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, ये स्ट्रिप का चौड़ाई जो है ये मान लीजिए 10 cm से कम नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन द 10 cm, नॉट लेस देन 10 cm, यानी 10 cm होना चाहिए, 10 cm से अधिक होना चाहिए, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, तो मान लीजिए हम 10, तो 10 cm ये चौड़ा, ये स्ट्रिप गैलरी के अंदर ये साइड में हुआ, साइड ये फिर रूफ हुआ और ये फिर नीचे आ गया दूसरे साइड, और ये जो डॉट वाला मार्क्स है ये फ्लोर हुआ, तो एक स्ट्रिप हुआ। ये स्ट्रिप हम 10 cm का लेते हैं, सिमिलरली फिर ये आएगा, ऐसे स्ट्रिप आएगा, समझ रहे हैं, ऐसे स्ट्रिप आएगा और फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस दोनों के बीच का इंटरवल जो होना चाहिए ये इंटरवल 5 मीटर, नॉट मोर देन 5 मीटर, ये इंटरवल है एक स्ट्रिप दूसरे स्ट्रिप का इंटरवल में 5। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप सैंपलिंग, उस प्लेस में लिया जाता है जहां पर स्टोन डस्टिंग हो। क्लियर, कहता है जोन स्टोन डस्टिंग बाय स्ट्रिप सैंपलिंग। स्ट्रिप सैंपलिंग के लिए विड्थ जो चौड़ाई है नॉट लेस देन 10 cm, 12 cm हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 से माने 10 से ऊपर होना चाहिए, आ इंटरवल नॉट मोर देन 5 मीटर, 5 मीटर से ज़्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए, 4 मीटर का हो सकता है, 5 से कम होना चाहिए,
या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हम 5 मीटर पर मारे हैं, तो 5 मीटर पर, हर 5 मीटर पर एक स्ट्रिप होगा और वो स्ट्रिप से लेंगे। अब आप समझिए, स्ट्रिप से तो लेंगे, तो इसमें नियम लागू होगा ये, जब रूफ और साइड में लेंगे तो 5 mm तक डस्ट खुरचेंगे, और जब फ्लोर में लेंगे तो 10 mm तक डस्ट खुरच लेंगे। क्लियर? तो ये हुआ स्ट्रिप सैंपलिंग का तरीका। अब हम आपको बताते हैं ये स्ट्रिप सैंपलिंग का तरीका, बताया 12 सब रेगुलेशन में, 13 सब रेगुलेशन जोन, जो वाटर जोन है उसको हम स्पॉट सैंपलिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? स्पॉट सैंपलिंग। ये इंटरवल 1 meter स्पेस, जिग जैग पाथ, ये जो सैंपलिंग लेते हैं जिग जैग पाथ में और 1 meter इंटरवल पर। अब जैसे इसको बता रही है आपको, यहां पर अब जैसे मान लीजिए ये 3 dimensional बता रहा है, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। अब देखिए ये मान लीजिए फ्लोर है और ये मान लीजिए रूफ है, ठीक है, और ये फ्लोर है, ये साइड है, ये साइड है, और इस तरह से ये रूफ ऐसे चला जाता है, है? और ये फ्लोर ऐसे चला जाता है, और ये मान लीजिए फ्लोर ऐसे है, ठीक। तो अब देखिए ये फ्लोर है, तो इसमें हम फ्लोर में लेते क्या है, एक सैंपल बीच में लिए यहाँ, तो दूसरा सैंपल, ये स्पॉट सैंपलिंग है, स्पॉट सैंपलिंग बाई स्पॉट सैंपलिंग, इंटरवल 1 meter स्पेस, 1 meter पर। तो ये यहाँ लिए, यहाँ के बाद फिर तिरछे, ये वहाँ फ्लोर में, फिर इसके बाद फ्लोर में, यहाँ फ्लोर में ले रहे हैं, फ्लोर है ये फ्लोर है, फ्लोर में हम ले रहे हैं ऐसे तिरछे, और फिर इसके बाद फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लोर में हो रहा है, फ्लोर के बाद फिर ये आ गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जिग जैग वे में लेते हैं। वाटर स्पेइंग तो फ्लोर में ही लिया जाएगा, फ्लोर में ही हम लोग इसको लेते हैं। इसको और क्लियर दिखाने के लिए हम ड्राइंग बनाते हैं, इसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, अब हम प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा लिए, ये है और ये है, और ये मान लीजिए ये फ्लोर ही है, ये फ्लोर है, फ्लोर है, एक साइड में ये है कांती यहाँ से, ठीक है, और एक साइड में ये है, ये साइड का किनारा है फ्लोर का, ये तो इसमें हम एक ऐसे रिंग लेते हैं, एक मीटर के इंटरवल पर, फिर ऐसे लेते हैं, फिर ये इसका इंटरवल जो है यहाँ से और यहाँ से, इसका इंटरवल जो है 1 meter, फिर यहां से लिए 1 meter, 1 meter। अब इसके बाद इस फ्लोर में ही चलेंगे, फिर जिग जैग यहां से सीसे चढ़ाए, फिर 1 meter यहां से, 1 meter, फिर इसके बाद 1 meter, फिर इसके बाद 1 meter। देख रहे हैं ये फ्लोर में, हम इस कांती के साइड से स्टार्ट किए फ्लोर में, पहला, दूसरा 1 meter तक लिए। ये एक्चुअली स्पॉट सैंपलिंग का क्या मतलब होता है? स्पॉट का मतलब होता है स्पॉट, दाग। तो गोल, हम एक पाइप का ढांचा लेते हैं,
या पाइप का कटा हुआ भाग, क्रॉस सेक्शन वाला भाग, और जैसे गिलास को हम जैसे मान लीजिए इसे दबाते हैं, जैसे रोटी पूरी बनाने के लिए कभी देहात में क्या है कि आटा सान करके गिलास को दबा दिया तो गोल निकल जाता है, उसी तरह से जब एक पाइप को हम यहाँ दबाएंगे तो गोल निकलेगा एक सर्टेन डायरेक्शन में, छोटा साइज में, ये हुआ। और फिर इसके एक मीटर के बाद फिर हम पाइप को दबाएं यहाँ तो दाग हो गया, और इस दाग के डस्ट को हम ले लेते हैं, इसको डस्ट को ले लेते हैं, इसको डस्ट को ले लेते हैं, इसको डस्ट को ले लेते हैं, ये सारे को डस्ट को हम इसे प्लेट थी क्या बोलेंगे इस पत्ती से हम उस डस्ट को स्कूप में डाल लेते हैं, स्कूप रखना पड़ता है। तो ये जो इंटरवल है एक एक मीटर का स्पोर्ट सैंपलिंग लेते हैं, लेकिन जिग जैग पाथ में लेते हैं, कभी ऐसे तिरछा डायगोनली और फिर कभी ऐसे तिरछा, फिर यहाँ से फिर ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए लिखा है कि जोन जो वाटर स्प्रिंग वाला है उसमें ये लेते हैं, कि किस में लेंगे, वाटर स्प्रिंग जिसमें हो, वाटर स्प्रे, स्प्रे वाला जोन जो है उसका सैंपलिंग हम स्पॉट सैंपलिंग से करते हैं। ये स्पॉट सैंपलिंग है, स्पॉट, ये हुआ स्ट्रिप सैंपलिंग, स्ट्रिप सैंपलिंग, ठीक है। मैं समझता हूं कि स्पॉट सैंपलिंग और स्ट्रिप सैंपलिंग की समझाने की मैंने कोशिश किया, आप समझ गए, क्लियर है। सैंपल्स अप टू एयर स्टॉपिंग, जितने भी सैंपल्स लेंगे एयर स्टॉपिंग जहां तक है वहां तक लेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ दूर गए वहां छोड़ दिए। एयर आप गैलरी में ले रहे हैं साथ साथ एयर स्टॉपिंग भी किया हुआ है तो ले। अब इसको हम समझाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये गैलरी है ऐसे, और ये गैलरी ऐसे, ये गैलरी है ऐसे, ये गैलरी है ऐसे, ये गैलरी है ऐसे। तो अब देखिए ये स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग है, इधर भी स्टॉपिंग मान लीजिए है। तो अब आपको सैंपलिंग जो लेना है सो इसमें तो लेना ही है, यहाँ से जब आप ले रहे हैं तो सैंपलिंग इधर ले रहे हैं, फिर इधर ले रहे हैं तो इधर तक लेना है सैंपलिंग, यहाँ तक लेना है, फिर जिग जैग पाथ इधर तक लेना है, नहीं जिग जैग पाथ करना है, या डस्ट का स्ट्रिप भी करना है तो एक स्ट्रिप इधर कर देंगे, एक स्ट्रिप इधर, नहीं स्टॉपिंग के नज़दीक तक करना है, क्लियर। ये सब रेगुलेशन जो है 14 सब रेगुलेशन में कहता है कि सैंपल्स अप टू एयर स्टॉपिंग तक लेंगे। ये तो सैंपल लेने का तरीका दो ठो हुआ, स्पॉट सैंपलिंग और स्ट्रिप सैंपलिंग। ऑलवेज एकदम मान के रखिए स्ट्रिप सैंपलिंग जो है जहां डस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, स्टोन डस्टिंग हो रहा है, वहां पर हम स्ट्रिप सैंपलिंग लेंगे, जहां पर वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, पानी स्प्रे हो रहा है, वहां पर हम स्पॉट सैंपलिंग लें। अब ये सैंपल तो ले लिए, सैंपल लेते समय कितना डेप्थ करना है उसका भी चर्चा आपको 11 नंबर सब रेगुलेशन में है, रूफ साइड में 5 mm डेप्थ लेना है, और डेप्थ आपको फ्लोर साइड में 10 mm लेना है। सिमिलरली वाटर स्प्रेइंग वाला में भी जो हम स्पॉट सैंपलिंग लेंगे उसका डेप्थ भी फ्लोर में हमको इतना ही लेंगे, और वो साइड वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फंडा है। अब जो सैंपल हम लोग खुरच के ले लिए उसको कैसे करते हैं, सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग के लिए जब भेजते हैं तो सैंपल कैसे तैयार करते हैं, कितना ग्राम का होता है, ये सब चर्चा रेगुलेशन में, नेक्स्ट रेगुलेशन में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सब रेगुलेशन में कहता है सैंपल्स आर वेल मिक्स्ड, जितने जो हम स्टोन डस्ट इकट्ठा किए हैं वो वेल्ड मिक्स्ड होगा, रिड्यूस्ड इन बल्क, पूरा बल्क में होगा, उसको हम धीरे धीरे रिड्यूस्ड करते हैं, कम करते हैं, क्वार्टरिंग, क्वार्टरिंग करके हम 30 ग्राम तक लाते हैं, क्वार्टरिंग कोनिंग करके हम 30 ग्राम तक लाते हैं, और मॉइस्चर प्रूफ कैनवास, एक पॉलीथीन का पैकेट होता है वो मॉइस्चर प्रूफ है, उसमें हम 30 ग्राम तक लाते हैं और 30 ग्राम तक मॉइस्चर में पैक कर देते हैं। अब ये लेबल करते हैं और मार्क करते हैं, ये हुआ आपको
15 नंबर, इसको हम आपको ग्राफिक के थ्रू समझाते हैं। अब जैसे देखिए, ये देखिए स्कूप है, ये क्या बोलते हैं, स्कूप, ये साधन है, हाथ से पकड़ते हैं इसको, जस्ट लाइक जैसे डस्ट उस बाहर जब बाहरते हैं तो इसे स्कूप लेकर के उसमें चढ़ा लेते हैं, उसी टाइप का ये स्कूप। और मान लीजिए एक पत्ती है, ये पत्ती है, इस पत्ती को पकड़ते हैं, इस पत्ती से हम उसको जिस 10 सेंटीमीटर इन चौड़ाई में लेना है तो 10 सेंटीमीटर तक उसको खोरोचते हैं। ये खोरोचने का ये पत्ती देखिए वही है जो वाइट वॉशिंग में मिस्त्री लोग यूज करता है, पतला पत्ती स्ट्रिप पतला, उसको दीवार में ऐसे ऐसे खोरोचता है पुराना वाइट वॉशिंग किया हुआ उसको हटाने के लिए। तो ये रहता है इसको पत्ती, ठीक है। तो ये पत्ती और ये स्कूप लेते हैं, इसके बाद फिर हमारा मान लीजिए बैग होता है। अब बैग मान लीजिए ये है बैग है और इसको इसे बांधने के लिए सामान लेते हैं, बैग बैग में डालते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मटेरियल हुआ ये पॉकेट है प्लास्टिक का, प्लास्टिक का जिसमें हम 30 ग्राम तक सैंपल इसमें डालते हैं। तो ये चीजें देखिए, ये साधन है, ये वो एक्सेसरीज है जिससे हम लोग सैंपलिंग लेते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से बैग हम इकट्ठा किए, स्ट्रिप सैंपलिंग का पहले चर्चा करते हैं। स्ट्रिप सैंपलिंग, स्ट्रिप सैंपलिंग, स्ट्रिप सैंपलिंग में हम मान लीजिए ये साइड में ये हुआ आपको 10 सेंटीमीटर और इसे ऐसे मान लीजिए ये फ्लोर हुआ, ये हुआ फ्लोर और ये हुआ रूफ। तो अब जैसे देखिए इसमें हम 10 सेंटीमीटर में लिए तो इसका हम डस्ट खुरोचे, खुरोच करके इसको हम बैग में डाल दिए, ऐसा बैग में हम डाल दिए, ये सब ऊपर में खुरचे नीचे खुरचे डाल दिए, क्लियर। ये फ्लोर में खोचेंगे तो इसका डेप्थ अलग होगा, फ्लोर में कितना है जी, फ्लोर में आपको, हाँ फ्लोर में 10 सेंटीमीटर तक, 10 एमएम तक, 10 मिलीमीटर तक और रूफ और साइड में 5 तक। ये रूफ में फ्लोर में 10 एमएम तक ले, ये 10 सेंटीमीटर है चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसका फ्लोर में जो नीचे डस्ट जमा हुआ है इस पर ये सब, ये डस्ट का गहराई 10 एमएम तक लेते हैं। अब बाकी ये साइड है, साइड इसमें हम 5 तक लेते हैं, 5 इस तक लेते हैं और यहाँ पर हम डस्ट लेते हैं, इस पर डस्ट है, क्लियर। ये सब डस्ट को खोज करके इस बैग में डालें, ऐसे हर जगह का हम इसको लेकर के डालते हैं, जो एक जोन है उसको हम लेकर के जानते हैं। और डालने के बाद जब पूरा हो जाता है तो उस बैग को मिला करके हम यहाँ ढेरी करते हैं। अब मान लीजिए ये ढेरी है, ये स्टोन डस्ट का ढेर कर लिए, डाल दिए, ये स्टोन डस्ट नहीं, कोल्ड डस्ट है, ये कोल्ड डस्ट या ट्रीटेड कोल्ड डस्ट बोलिए चाहे जो भी बोलिए,
इनकम्बस्टेबल डस्ट मिला हुआ भी हो सकता है, जब सैंपल हुआ, ये सैंपल का बल्क हुआ, हो सकता है ये 5 केजी हो या 10 केजी हो, जो भी 5 केजी भी हो सकता है, 10 केजी भी हो सकता है, तो ये ढेर सारा है। तो इसको हम बोलते हैं वेल मिक्स्ड, इसको पहले मिला लेते हैं, मिला के ढेर कर लिए, ठीक है। और रिड्यूस्ड इन बल्क, कैसे रिड्यूस्ड करते हैं, तो रिड्यूस्ड करने के तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसको पहले मिला करके हम फैलाते हैं एक स्क्वायर में, क्या हुआ, एक स्क्वायर में फैला लिए, ग्रिड में, वो स्क्वायर में फैला लिए। स्क्वायर में फैलाने के बाद सब बराबर फैला लिए इसको, इस पूरे डस्ट को, तो यहाँ से फैल गया, ये मान लीजिए ये सेक्शन है, स्क्वायर में फैला लिए। अब इस स्क्वायर में फैलाने के बाद इसको हम हाफ, दो भाग में बांट दिया, अगेन फिर, क्लियर है, अगेन फिर इसको हम ऐसे करके लकीर खींच करके चार भाग में बांट दिए। देख लिए, पहले दो भाग में था, अभी चार भाग में, 1 2 3 4 हो गया। तो इसको हम क्वार्टरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्वार्टरिंग कहते हैं, ठीक है। चार भाग में बांट लिए, चार क्वार्टर हो गया, ये एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर, पूरे डस्ट को हम फैलाए हुए हैं चार क्वार्टर में। अब कोई दो डायगोनली हम लेते हैं, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वार्टरिंग, क्लियर, यहां सब दिया हुआ है क्वार्टरिंग, इसको क्वार्टरिंग करेंगे। क्वार्टरिंग करने के बाद चार भाग हो गया, अभी दो भाग को छोड़ देते हैं, दो भाग को लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लिए और इसको ले लिए, ये दो भाग को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, इसको उठा लिए और इसको हटा लिए, इसको हटा के अलग हटा लिए, फिर इसको हटा के इसको अलग हटा लिए, ये दोनों को फिर मिला के, अब देखें कि फिर अभी वजन ज़्यादा है, तो फिर अगेन फिर क्वार्टरिंग करेंगे। क्वार्टरिंग करने के लिए एक दो भाग में बांटे, फिर इसे करके चार भाग में बांटे, आवर जो ई द ई और इलिए थे, अबरी इस बार लेंगे ये और ये, तो इसका जो इतना था वो अब चार भाग में इसे बंट गया, और इसको फिर किए तो इतना, तो फिर आधा हो गया, समझ रहे हैं बात को। इस तरह से रिड्यूसिंग करते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस्ड, कम करते हैं। सैंपल जो हमारा वजनी है 5 केजी 10 केजी है, वो इसमें 10 केजी है तो 5 केजी हो जाएगा, और ये 5 केजी है तो इसको फिर अगेन कोनिंग करेंगे, तो क्वार्टरिंग करेंगे तो फिर ये दो ले लेंगे, तो क्वार्टर कोनिंग, ऐसे करते करते हम इस सैंपल को तब तक क्वार्टर कोनिंग करते हैं जब तक ले हमारा 30 ग्राम का नहीं हो जाए। जब 30 ग्राम का हो गया, जब लिटिल सा थोड़ा सा बच गया, 30 ग्राम के लगभग, तो इसको हम इस प्लास्टिक में पैक कर देते हैं, और ऊपर में उसको हम स्ट्रिप लगा हुआ रहता है मॉइस्चर टाइट के लिए, मॉइस्चर टाइट आपको कनवास है, उस कनवास को लॉक करने के लिए उसमें रूबिंग रहता है, उसको हम खींच देते हैं, लॉक हो जाता है। तो ये 30 ग्राम का पैकेट है, और ये पैकेट रेडी हो गया आपको मॉइस्चर प्रूफ कनवास में। इस पैकेट पर हम लेबल करते हैं, क्या करते हैं, इस पैकेट जो आ गया ये रेडी हो गया, इसमें हम लेबल करेंगे। लेबल क्या करेंगे, जैसे आपको हम बताया, तो इसको लेबल करेंगे, मान लीजिए A1, ठीक है, या A1 B1 जो लिए थे एक महीना, इसको लेबल करेंगे A1, ठीक है। इसको मान लीजिए इस तरह से दूसरा है तो हम लिखेंगे B1, ठीक है। ऐसे सैंपल लेंगे और उसको हम टेस्ट करेंगे, 30 ग्राम का हो जाएगा तब जाके हम चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 16वां जो है, ये लेबल को मार्क कर देते हैं, लेबल एक कागज रहता है उसमें लेबल मार्क कर देते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि किस जोन का है। अब देखिए, ये पता चला है कि A1 करने से जोन का क्लियर हो गया, जोन और सेक्शन दोनों का डिमार्केशन हो गया। अब इसको हम सैंपलिंग जो है, सो ये कौन लेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन लेगा, वो कॉम्पिटेंट पर्सन ना ओवरमैन माइनिंग सरदार, सैंपलिंग इंचार्ज इसको बोलते हैं। यहाँ भी देखिए स्टैट्यूटरी पोस्ट है, सैंपलिंग इंचार्ज,
नो अदर ड्यूटीज इफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अप्रूव्ड. सैंपलिंग इंचार्ज ऑलवेज, ये सब सैंपलिंग काम के लिए है. डस्टिंग इंचार्ज डस्ट के लिए है, सैंपलिंग इंचार्ज सैंपलिंग के लिए है. और ये इसका जो क्वालिफिकेशन है ओवरमैन माइनिंग सरदार है. और ये सैंपलिंग इंचार्ज जो है दूसरा कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ सैंपलिंग का करेगा. यदि दूसरा काम करना है कराना है तो उसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लिखित परमिशन चाहिए, परमिशन नहीं. 17वां जो सब रेगुलेशन है, विद इन 7 डेज आफ्टर टेकिंग एनालिसिस रिजल्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्ड एंड साइन डेटेड बाय द सैंपलिंग इंचार्ज एंड काउंटर साइन बाय मैनेजर. क्लियर? तो 7 दिन जब सैंपल लेंगे तो 7 दिन के अंदर उसको एनालिसिस में भेजेंगे. 7 दिन से ज्यादा देर नहीं करना है. लेने के 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज आफ्टर टेकिंग द सैंपल एनालिसिस रिजल्ट जो है एनालिसिस करेंगे और उसका रिजल्ट जो है रिजल्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, एक रजिस्टर में रिकॉर्ड रहेगा, साइन करेंगे, डेटेड रहेगा बाय सैंपलिंग इंचार्ज और उस पर मैनेजर भी काउंटर साइन करेंगे. तो ये स्थिति 17 सब रेगुलेशन में है जो चेक ऑन मेजर फॉर डस्ट कंट्रोल. अब समझ लीजिए इसमें 2-3 चीजें हैं. सैंपलिंग इंचार्ज आया और स्ट्रिप सैंपलिंग आया, स्पॉट सैंपलिंग आया. ये ओरल में सब बराबर पूछ सकता है कि स्ट्रिप सैंपलिंग जानते हैं, स्पॉट सैंपलिंग जानते हैं, क्या प्रावधान है. अब ये वाटर स्प्रेइंग करते हैं, इसका एफिकेसी, वाटर स्प्रे कर रहे हैं हमको कैसे सेचुरेटेड, इसका क्या चेक मीजर्स हैं. तो चेक मीजर्स हम, हमारा वाटर स्प्रे के लिए स्पॉट सैंपलिंग है तो क्या उसका तरीका है, पूछ सकता है. तो इस तरह से ये रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन दुर्भाग्यवश आज के डेट में माइंड में, कल्चर में नहीं है जो गड़बड़ है. आपको कल्चर में लाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तभी जा कर के जो रेगुलेशन जितना नेक इरादे से बनाया गया है या उसको डस्ट कंट्रोल, डस्ट एक्सप्लोजन कंट्रोल या हेजार्ड के लिए, डस्ट हेजार्ड से बचने के लिए जो किया गया है उसका सही फायदा तब होगा जब इस रेगुलेशन 145 चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल करेंगे. ये सेफ्टी डिपार्टमेंट का विंग्स है, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर और सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज के ड्यूटी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जो लोग आज के डेट में हर माइन में, अंडरग्राउंड माइंस में लोग भूल गए हैं और जब कोई एक्सीडेंट होता है तो ये चीज़ें आती हैं, इसका रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं है. तो कृपया इसको आप जानें, इसका रिकॉर्ड करें, बीच बीच में इसको चेक कराएं, एक दो बार चेक तो करा करके देखें. हर माइंस में ये सब रिकॉर्ड नहीं जो है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. हम लोग लिख पढ़ करके सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास मैनेजर होते हैं, सर्टिफिकेट होल्डर, ओवरमैन होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ की जानकारी नहीं हो और इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो, समझ नहीं हो, तो ये बड़ा मुश्किल है. सिर्फ ओरल के लिए नहीं याद करना है, इसको प्रैक्टिकल माइंड्स में अप्लाई करना है, तभी हम लोग माइंड को सुंदर बना सकते हैं. मैं समझता हूँ कि ये बात जो भूली बिसरी हो गई है रेगुलेशन में होते हुए भी, इसको आप समझेंगे और अपने अपने माइंड्स में इसको ठीक से लागू कराएंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, सैंपलिंग इंचार्ज और डस्ट इंचार्ज का महत्व समझेंगे और जो इंचार्ज माइनिंग के रूप में जिसको ऑथराइज किया जाता है, जिसको वो लोग नहीं ऑथराइज करते हैं, मैनेजमेंट नहीं दे पाता है, एरिया अथॉरिटी स्टेचुटरी स्टाफ के कमी के चलते नहीं दे पाता है, उनको आप समझा सकेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है. और वो सब जानते हैं लेकिन इसका इम्पोर्टेंस समझाने से नहीं, हमको करना पड़ेगा नहीं तो कहीं ये एक्सप्लोजन हैजार्ड हो जाएगा, कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा. तो इस तरह से इसको सीरियसली लेने से इसका सही उद्देश्य और मैनर पूरा होगा. तो धन्यवाद. आपको अच्छा लगता है तो माइनिंग विद्या चैनल सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.